हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीप्लाइंग 2-3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि हम इसमें 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे विदाउट कैरी। सिंपल ही इसको हम सिंपली तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वन। सबसे पहले 2 से इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन नेक्स्ट वन इज 1 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 2 4 जा 8, ओके 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। नाउ यहां पर हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, देन 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। ओके, 8 का 8, ओके 6 एंड 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, 10 का 0, ओके 10 आया है, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे। ओके 1 4 5 5 3 8, ओके एंड ये 2 का 2, सो ये हमारा आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट देखेंगे हम, सबसे पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। ओके अब 2 के नीचे हम जो 1s की डिजिट है उसके नीचे हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और अब हम 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 2 का 2 ऐड लिख देंगे। ओके क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं तो इसको हम सेम एज लिख देंगे। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7, ओके 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ओके 10 का 0 हम, यानी कि 10 के 0 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 8 और +1 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 9। ओके 8 + 1 कर देंगे तो 9 आंसर। इसी तरीके से थर्ड देखेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके 2 के नीचे हम 1s के डिजिट के नीचे हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और 2 से सबको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ओके अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 2 का 2 लिख देंगे सेम एज, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। 0 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 6 ही आएगा। ओके और 1 का 1, क्योंकि 1 में 0 ऐड करेंगे या 0 में 1 तो सेम एज ही आएगा और 1 का 1 ये आंसर हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट वन इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। इसको हम ऐड कर देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, 4 और +3 करेंगे 7, 8 और +6 करेंगे 14 का 4, 14 आएगा। ओके 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ओके तो 2 1 और 2 1 और 2 आ जाएगा 3 और 1 का 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 डिजिट को 2 डिजिट से। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।